हेलो एवरीवन, आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलराइजेशन शुरू करेंगे। और पोलराइजेशन या ध्रुवण में हम आज डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवणता। जेड दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग को निम्नलिखित समीकरण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू E0 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा KZ माइनस ओमेगा T। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये जहाँ विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 वेक्टर नियत सदिश है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अर्थात इसमें परिणाम के साथ साथ कला या फेज भी हो सकता है। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर का तल तरंग संचरण के लंबवत होता है, इस कारण E0 वेक्टर में x अक्ष का तथा y अक्ष के अनुदिश घटक हो सकते हैं। अतः इसको x और y के कंपोनेंट में के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। E0 जो वेक्टर है ये हो जाएगा x e1 प्लस y e2 जो है आपका यूनिट वेक्टर के बराबर, जहां x और y क्रमशः x और y के यूनिट वेक्टर हैं। E0 वेक्टर सदिश सम्मिश्रित होने के कारण इनके घटक E1 व E2 भी सम्मिश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें इनके परिमाण और कला गुणक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू E10 e^i(α1) से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया है, इसको E1 को हम लिख सकते हैं e^0 e^iα। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू e^0 e^iα2, जहाँ e^0 व e^0 आयाम घटकों E1 व E2 के वास्तविक मान या रियल वैल्यूज़ हैं तथा इनकी कलाएँ क्रमशः α1 व α2 हैं। समीकरण 2, 3 और 4 को एक में रखने पर अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होगा E वेक्टर इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर e^10 e^iα t प्लस y यूनिट वेक्टर e^20 e^iα t exponential iota kz माइनस ओमेगा टी के से व्यक्त की जा सकती है। प्रकाश की ध्रुवण अवस्था विद्युत क्षेत्र सदिश द्वारा व्यक्त की जा सकती है। अब हम इसमें कहेंगे कि इसमें लाइट जो है समतल ध्रुवित प्रकाश हो सकता है, दूसरा हम कह रहे हैं कि इसमें सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो सकती है। तो जो प्लेन पोलराइज्ड या समतल ध्रुवित प्रकाश होता है वो क्या होता है? यदि विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम का घटक E10 व E20 समान कला में हों तथा इनके कलांतर पाई के पूर्णांक गुणक के रूप में हों, तो α1 माइनस α2 इज इक्वल टू प्लस माइनस mπ, जहाँ m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होगा E वेक्टर इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर e10 प्लस y यूनिट वेक्टर e20 exponential iota kz माइनस ओमेगा टी प्लस α1, इक्वेशन नंबर 6। स्पष्ट है उपरोक्त समीकरण से प्रदर्शित विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम व कला नियत रहती है। विद्युत क्षेत्र सदिश सदैव x अक्ष से टेंजेंट इनवर्स e20 माइनस अपॉन e10 कोण बनाए रहता है, एवं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रहता है। इस प्रकार तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश व संचरण की दिशा सदैव एक ही समतल में रहते हैं। इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 में केवल एक ही घटक हो और वह x अक्ष के अनुदिश हो, तो विद्युत क्षेत्र E का कंपन तल x व xz तल होगा, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की तरंग वर्टिकली पोलराइज्ड या ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, और इसका रेखीय निरूपण चित्र के द्वारा किया जा सकता है, और यह x दिशा में ध्रुवित समतल तरंग होती है। ये डायग्राम से क्लियर है इनसे। यदि E0 वेक्टर का घटक केवल y अक्ष के अनुदिश हो, तो विद्युत क्षेत्र E का कंपन तल सदैव yz तल में होगा। इस प्रकार की तरंग क्षैतिज ध्रुवित तरंग या हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
साथ ही इसका रेखीय निरूपण भी किया गया है। यह तरंग वाई दिशा में ध्रुवित समतल तरंग कहलाती है। अध्रुवित विद्युत चुंबकीय किरण अर्थात अप्राकृतिक प्रकाश या नेचुरल लाइट में विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्षेत्रों में कंपन तल संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में संभव होता है। इसका निरूपण हमने इस चित्र में किया है नीचे वाले में, ये सब डायरेक्शन होता है। सिद्धांत अध्रुवित प्रकाश को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वित प्रकाश किरणों के संयोजन के परिणाम स्वरूप माना जा सकता है। ये हर डायरेक्शन में है इसके अंदर, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है, और जब ये पोलराइज्ड में होगी तो ये इस तरह से। इसलिए अध्रुवित किरण का निरूपण 6.6b द्वारा भी किया जा सकता है। अब दूसरी तरह की लाइट होती है सर्कुलरली पोलराइज लाइट या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है? यदि विद्युत क्षेत्र आयाम E0 वेक्टर के दोनों घटकों के मान वास्तविक हों या बराबर तथा बराबर हों, परंतु उसमें कलांतर प्लस माइनस पाई बाई टू का हो, अर्थात E10 इज इक्वल टू E20 इज इक्वल टू E0 हो तथा α2 इज इक्वल टू α1 प्लस माइनस पाई बाई टू हो, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू E0 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर e^2 प्लस माइनस पाई बाई टू और kz-ωt प्लस α1, परंतु एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस आयोटा। तो e इज इक्वल टू E0 एक्स प्लस आयोटा वाई यूनिट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा kz-ωt प्लस α1 हो गए इक्वेशन 6। इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग वृत्त तरंग कहलाती है। इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम E0 के साथ नियत कोणीय वेग से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में XY तल में घूर्णन करता है। इस निष्कर्ष को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 6 से व्यक्त तरंग के X तथा Y दिशा में वास्तविक मान लिखते हुए विद्युत क्षेत्र के सदिश घटक लिखे। हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में, अब इन दोनों को जोड़ा तो ex2 + ey2 = e2। यह एक वृत्त का समीकरण आ जाता है हमारे पास, जिसको आयाम E0 एक सदिश का शीर्ष अनुरेखित करता है। यदि अनुरेखण एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये वामवर्ती वृत्त ध्रुवित या लेफ्ट हैंडेड सर्कुलेटरी पोलराइज प्रकाश कहलाता है, और यदि इसका अनुरेखण क्लॉकवाइज हो तो यह राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज प्रकाश कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में क्लियर दिखाया है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कौन कौन से हैं। थर्ड है टाइप होती है इलिप्टिकली पोलराइज्ड या दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश। यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 के घटकों E1 व E2 में कलांतर प्लस माइनस पाई बाई टू हो तो उसका और उनका परिणाम समान ना हो तो α2 इज इक्वल टू α1 प्लस माइनस पाई बाई टू और E10 इज नॉट इक्वल टू E20 होगा। समीकरण 5 में ये मान रखने पर E वेक्टर इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर E10 प्लस वाई यूनिट वेक्टर E20 e^2 प्लस माइनस पाई बाई टू एक्सपोनेंशियल आयोटा kz-ωt प्लस α1 और इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर E10 प्लस आयोटा वाई वेक्टर E20 एक्सपोनेंशियल आयोटा kz-ωt प्लस α1 के बराबर होगा, जिसको समीकरण 8 से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग संचरण की दिशा z के लंबवत विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर के घटक हैं। Ex इज इक्वल टू E10 cos ऑफ kz-ωt प्लस α1, सिमिलरली Ey इज इक्वल टू E20 sin ऑफ kz-ωt प्लस α1, इनका वर्ग करके जोड़ने पर तो ex2/E10² + ey2/E20² = 1। यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, अतएव समीकरण 8 से प्रदर्शित विद्युत चुंबकीय तरंग दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है, जिसमें
एक होती है आपकी लेफ्ट हैंडेड वाली और दूसरी राइट हैंडेड। यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, अतएव समीकरण 8 से प्रदर्शित विद्युत चुंबकीय तरंगे दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश कहलाती हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, पहली वामवृत्ति या लेफ्ट हैंडेड इलेप्टिकल पोलराइज्ड और दूसरी होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होता है। बी दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्तीय प्रकाश या राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्तीय घूर्णन करता है। अभी तक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र ई की ध्रुवणता पर विचार किया है, परंतु तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी विद्युत क्षेत्र ई के साथ सदैव संलग्न रहता है जिसका संबंध होता है बी इज इक्वल टू 1/c एन यूनिट वैक्टर इंटू क्रॉस ऑफ ई वैक्टर, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, एन तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की ध्रुवणता के समान ही चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवणता को भी ई हमारे को ये परिभाषित करता है।